प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेहर में लाभार्थियों को आवास आवंटन के पत्र सौंपे, जिसे पाकर लाभार्थियों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। इस दौरान आवास योजना के लाभार्थियों ने नगर निगम के साथ प्रधानमंत्री का आभार जताया। काशीपुर के कनकपुर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1256 आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें से फेज एक में 796 आवासों का वितरण किया गया है। ये वितरण लॉटरी सिस्टम के आधार पर किया गया है। वहीं शेष आवासों का वितरण भी शीघ्र किया जाएगा। फेज एक के आवासों के आवंटन के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त विवेक राय और भाजपा प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक ने पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पत्र सौंपे, जिसे पाकर लोगों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। जिन लोगों को आज तक कभी छत नहीं मिली रहने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनको आज इतना अच्छा अवसर मिला है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हम आज बहुत खुश हैं कि हमारे साथ ऊपर अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल से आभार करते हैं। इस दौरान नगर निगम महापौर उषा चौधरी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का सपना था कि हर बेघर के पास घर हो, इसी आधार पर नगर निगम लोगों को आवास आवंटित कर रहा है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि हर बेघर के पास घर हो, और आज उसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम ने 796 मकानों का पपत्र जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने 20 लोगों को देहरादून में बुलाकर अपने हाथ से उन्होंने पपत्र उनको दिए हैं। भाजपा पार्षद गुरविंदर सिंह चंडोक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों का सपना साकार किया है, जो कभी सपनों में सोचते थे उन्हें घर दिया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जल्दी इस शहर काशीपुर नगर में ही, पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कहीं भी आवास के जरिए उन, मैं कहता हूँ, वो व्यक्ति जो कभी सपने में सोचा करते थे कि मैं हमारा भी मकान होगा, उनको आदरणीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ा उपहार के रूप में उनको मकान दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।